हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के हमारा जो पहला पेपर है भौतिक भूगोल, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिकल्पनाएँ दी हैं। हम सभी उन परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पृथ्वी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं उन ग्रहों में से एक ग्रह है। सौरमंडल का एक ग्रह है। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें हमारी पृथ्वी एक सूर्य का एक ग्रह है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखें पृथ्वी के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी का हम सूर्य से सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक ग्रह, आंतरिक, और दूसरे हैं बाह्य। अब देखिए, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, इसमें देखिए अपने शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें कहते हैं हम आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रहों में देखिए बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन 4 ग्रहों को कहते हैं हम बाह्य ग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक आंतरिक ग्रह है, ठीक है। इसके आगे हम देखें पृथ्वी के बारे में। तो सूर्य और पृथ्वी की जो हम बीच की दूरी है उसके बारे में हम बात करें, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। उसके आगे हम बात करें तो इसका पृथ्वी का जो हम व्यास देखें, व्यास, तो देखिए पृथ्वी का जो व्यास है वह है 12,742 किलोमीटर, ठीक है, यह है पृथ्वी का व्यास। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारे सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं उन ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है। तो ये हमारे होगी पृथ्वी का एक सामान्य परिचय। उसके आगे हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिकल्पनाएँ दी हैं। तो आज के वीडियो में हम उनकी परिकल्पनाओं के बारे में देखते हैं कि कौन सी परिकल्पना किस विद्वान ने दी है। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित 3 परिकल्पनाएँ मुख्य हैं, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। पहली है अद्वैतवादी परिकल्पना, दूसरी है द्वैतवादी परिकल्पना और तीसरी है आधुनिक परिकल्पना, ठीक है। मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं। पहली है अद्वैतवादी, दूसरी है द्वैतवादी और तीसरी है आधुनिक परिकल्पना। तो देखिए, जो अद्वैतवादी परिकल्पना है उसके अंतर्गत जो मुख्य परिकल्पनाएं हैं वो है पुच्छल तारा परिकल्पना, पहली है पुच्छल तारा परिकल्पना, ठीक है, जो किसने दी थी, जो कास्ते द बफन के द्वारा, कास्ते द बफन के द्वारा यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। कौन सी है? पुच्छल तारा परिकल्पना। दूसरी है वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि
परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, और ये दी गई थी कांट के द्वारा, ठीक है, ये कांट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगली परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ठीक है, और यह जो परिकल्पना है वो लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लाप्लास ने यह परिकल्पना दी थी। उसके बाद है उल्कापिंड परिकल्पना, उल्कापिंड परिकल्पना, ठीक है, और यह जो परिकल्पना है वो लोकियर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो अपनी जो पहले ऐरित्वारी परिकल्पना है उसमें चार परिकल्पनाएं प्रमुख है। पहली है हमारी उच्छल तारा परिकल्पना, जो कास्तेद है बफन के द्वारा दी गई थी, ठीक है, बफन के द्वारा दी गई थी। दूसरी हमारी वायव्य राशि परिकल्पना, जो कांट ने प्रस्तुत की थी। तीसरी हमारी निहारिका परिकल्पना, जो लाप्लास के द्वारा दी गई थी। और अगली है उल्कापिंड परिकल्पना, जो लोकियर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो यह है हमारी ऐरित्वादी परिकल्पना, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली जो परिकल्पना है द्वैतवादी परिकल्पना, अगली हमारी परिकल्पना है द्वैतवादी परिकल्पना। तो हम देखते हैं कि द्वैतवादी जो परिकल्पना है उसके अंतर्गत कौन कौन सी परिकल्पनाएं मुख्य हैं, जिसमें पहली है ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, जो दी गई थी चेम्बलिन के द्वारा, टीसी चेम्बरलिन के द्वारा यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अगली परिकल्पना है इसके अंतर्गत ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, जो प्रस्तुत की गई थी जेम्स जीन के द्वारा, जेम्स जीन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। फिर आगे जाकर जेफ्रीज ने इसमें कुछ संशोधन किया था, ठीक है। ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी सर्वप्रथम जेम्स जीन के द्वारा, और इसी परिकल्पना में आगे जाकर जेफ्रीज ने इसको कुछ इसमें कुछ परिवर्तन किए थे। आगे अगली है द्वैत तारक परिकल्पना, द्वैत तारक परिकल्पना, यह दी गई थी रसेल के द्वारा, रसेल महोदय के द्वारा यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। अगली है विखंडन का सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत, ठीक है, यह जो विखंडन का सिद्धांत है यह प्रस्तुत किया गया था रोसजन के द्वारा, रोसजन के द्वारा यह विखंडन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। उसके आगे हमारी है नवतारक परिकल्पना, नवतारक परिकल्पना, ठीक है, यह जो नवतारक परिकल्पना है वो लिटलिटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लिटलिटन, लिटलिटन के द्वारा यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से यह है हमारी सभी द्वैतवादी परिकल्पनाएं, जिसमें पहली हमारी है ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना जो चेम्बरलिन के द्वारा दी गई थी, चेम्बरलिन ने प्रस्तुत की थी। उसके बाद हमारी है ज्वारीय परिकल्पना, जो जेम्स जीन ने सर्वप्रथम दी थी और जेफ्रीज के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उसके बाद हमारी है द्वैतारक परिकल्पना, जो रसेल के द्वारा दी गई थी, विखंडन का सिद्धांत जो दिया गया था रोसजन के द्वारा, और अगली हमारी नवतारक परिकल्पना जो लिटलिटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से ये हमारी द्वैतवादी परिकल्पना, इनको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली परिकल्पना जो है आधुनिक परिकल्पना,
आधुनिक परिकल्पना। तो देखिए आधुनिक परिकल्पना में दो ही जो परिकल्पनाएं प्रमुख हैं, एक है बिग बैग थ्योरी या फिर बिग बैग सिद्धांत, बिग बैग सिद्धांत जो लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। लेमेंटर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है स्पीति सिद्धांत, अगला सिद्धांत है स्पीति सिद्धांत, ठीक है। यह जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था अलेन गुट के द्वारा, अलेन गुट के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से आधुनिक परिकल्पना में दो ही परिकल्पनाएं प्रमुख हैं, एक है बिग बैंग थ्योरी जो लेमेंद्र के द्वारा दी गई थी और एक है स्पीति सिद्धांत जो अलेन गुट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो भी परिकल्पनाएं हैं हमने इन परिकल्पनाएं और इनके दो विद्वान हैं उनके बारे में हमने देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन परिकल्पनाओं के विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।